ईद है कल। ओके नमस्कार आप सभी को, हमारे दर्शक, हमारे मीडिया, इरम्स एंटरटेनमेंट की तरफ से आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। मैं इरम फरीदी आप सबके सामने एक बार फिर से आई हूं। इस बार ईद का फेस्टिवल मना रही हूं। मैं दिवाली भी मनाती हूं, मैं क्रिसमस भी मनाती हूं और मैं ईद भी मनाती हूं और दिल के साथ। और मैं एक ही चीज़ कहूंगी कि ईद पर बोला जाता है ना, एक दूसरे के गले मिलने चाहिए, जो भी गिला शिकवा मिटाकर। तो मैं आप सबसे कहूंगी कि आपके दिल में कहीं किसी के लिए कुछ भी है तो सबको भूल जाइए। अब आप देखिए ना कि होली में भी यही कहा जाता है कि जितने भी गिले शिकवे सब भूल जाइए, एक दूसरे को गले लगाइए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत कम टाइम है। कम टाइम किस चीज़ के लिए है कि वक्त गुजरता जा रहा है, जल्द से जल्द कलयुग है, अब कब क्या हो जाए। आपको पता है कि कोरोना जैसी बीमारी ने अभी महामारी फैलाई थी और कितना तकलीफ हुई थी, मानवता पूरी हिल गई थी। अब वापस से ईद का ये फेस्टिवल विदाउट मास्क, विदाउट एनी यू नो प्रिकॉशन हम इस चीज़ को मना रहे हैं, तो इससे बेस्ट क्या होगा। और मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे साथ मेरी प्यारी रुचि है। तो मेरी ईद वैसे भी बहुत है, मेरी मम्मी भी आई हुई है ईद पर और मैं जल्दी अपने ही क्षेत्र कानपुर में जा रही हूँ, 22 अप्रैल को वहाँ पर मनाने जा रही हूँ। तो मेरे लिए ईद बहुत ही ख़ास रही है और मीडिया को इसलिए मैंने आज बुलाया है कि अपने लिए, आप सबके लिए मतलब थोड़ी दुआएं मुझे मिले और अच्छा सा गिफ्ट या जो मुझसे हो सके वो मैं आप सबके लिए करूं। मीट मिसेस चैंग हमारी जो है वो 21 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कहीं सेलेक्ट हो गए, कहीं जीत के, कहीं नॉमिनेट हो गए और ये हमारी फिल्म ये यूनाइटेड नेशंस को डेडिकेट है क्योंकि रेसिज्म पे है। रेसिज्म इज़ मोर डेंजरस देन कोविड। बॉलीवुड के काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है और मैंने अपनी छोटी सी फिल्म को बड़ा बना दिया और बहुत जल्द आप एक बड़े OTT पे हमारी फिल्म देखेंगे। तो मैं आई एम सुपर एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि ईद के बाद ही हमारी फिल्म जल्दी रिलीज़ होगी। हमारी इसके बाद है हमारा जो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है फिडोरा रिंकल्स, जिसमें सुष्मिता मुखर्जी, अली असगर, मनीष वाधवा जो कि पठान फिल्म में मेन विलन बन के आए हैं, आंचल मुंजाल एंड हिना पांचाल जैसे अच्छे कलाकारों ने काम किया है और ये फिल्म को डायरेक्ट किया है अश्विन कौशल जी ने, जिन्होंने हमारी फिल्म मीट मिस्टर चैंग से एज अ डेब्यू डायरेक्टर काम किया था। और इतनी अच्छी स्टार कास्ट है और बहुत ये साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जल्द, जैसे कि हमने एक नई शुरुआत इंसान करता है तो पहले बस धीरे धीरे चलता है, अभी हमारी पटरी पे रेलगाड़ी दौड़ रही है और धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। इसके बाद हमारी फिल्म आ रही है शादीबाज, जिसको डेब्यू कर रहे हैं हमारे मित्र फैजल इवागले, जो कि एक लेसन पे आधारित है। वो ऐसी फिल्म है कि हर कोई को रिलेट करेगा। और इसके साथ ही साथ पाव वाव विद इरम्स नाम से एक बहुत बड़ा टॉक शो जो कि पॉडकास्ट होगा, मिस्टर जुनैद शेख जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, हमारे जुनैद भाई उसको डायरेक्ट करेंगे। और तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, तो आई एम रियली रियली हैप्पी। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको ऐड ऑन करूँ, अपना इंट्रोडक्शन देगी, विच इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड इसकी मैं कहीं ना कहीं मैंने अपना बचपन देखा और ये मुझे मिली थी रीटा, जो RDD शो आता है रीटा का, उससे उसके थ्रू मिली थी। तो मैंने देखा कि इसकी जो मम्मी है उसको हमेशा सपोर्ट करती है, तो मैंने एक ही चीज़ सीखी। और मैं आप सबसे कहूँगी आपके बच्चों में टैलेंट है तो बिल्कुल रुचि की मम्मी की तरह उसको सपोर्ट करिए क्योंकि बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो सच में ना सपोर्ट कर पाते हैं। तो आई एम रियली हैप्पी और रुचि बहुत जल्द हमारे किसी ना किसी अच्छे से प्रोजेक्ट में आने वाली है एंड शी इज़ सुपर डांसर। और हमारा कल का इवेंट जो है उसमें ये गणेश वंदना भी कर रही है। तो रुचि जस्ट स्पीक अबाउट योर सेल्फ। मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। माय नेम इज़ रुचि महाजन और जैसे कि मैंने बहुत सारे काम करे हैं, जैसे ये तेरी गलियां में मैं मेन लीड थी और सलमान सर के और कटरीना मैम के साथ मैंने भारत मूवी करी हुई है जो हिट हुई थी और बुलबुल मूवी करी है वेब सीरीज़ एंड हैप्पी हाडियन ही मूवी करी है। और जैसे मैम ने बोला कि मेरी मम्मा बहुत सपोर्ट करती है तो साथ में मुझे मैम भी बहुत सपोर्ट करती है और मैम के मूवीज़ में आपको ज़रूर देखने वाली हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला कि कल मैं इनके शो में गणेश वंदना करी हूँ, तो हाँ मैं इनके कल शो में गणेश वंदना का डांस करूँगी। सो ऐसे ही मैं मैम के साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, मुझे मैम बहुत अच्छे लगते हैं, मैम बहुत अच्छी और तो मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मुझे मैम भी बहुत क्यूट लगते हैं, मैम के साथ बहुत मज़ा आता है। सो मैं मैम के साथ ईद सेलिब्रेट करूँगी और बहुत मज़ा आएगा। फिल्म कर रहे हो आप?
आगे कौन से प्रोजेक्ट है कुछ मिले? तो अभी तो मिल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, अभी बातें चल रही हैं प्रोजेक्ट्स। मैंने अभी अडानी की ऐड करी थी एंड जैसे कि मैंने बोला मैम की मूवी में तो मैं आपको दिखूंगी, तो वो ही मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। हाउ स्वीट। यस। कितना प्रिपेयर करती हो, कितना कठिन है चाइल्ड आर्टिस्ट? बहुत मुश्किल होता है तो इसके बारे में थोड़ा? मुश्किल तो होता है, जैसे पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है एंड अपना काम को भी मैनेज करना पड़ता है, तो वो हो जाता है। अपने आप में एक जुनून होना चाहिए तो सब कुछ हो जाता है। इंस्पिरेशन कौन है आपके लिए? मेरे इंस्पिरेशन मैम मैम है, मेरी मम्मा है और बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जैसे बड़ी बड़ी, सो सारी मेरी इंस्पिरेशन है। वैसे तो मैं खुद ही सबकी इंस्पिरेशन बनना चाहूंगी। ओह दैट्स वंडरफुल आंसर, हां दैट्स अ क्लैप फॉर हर। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहूँगी सबको कि ईद का फेस्टिवल तो है ही, और हमको एक रीज़न चाहिए हमेशा, और हमें वैसे रीज़न क्यों चाहिए खुश रहने के लिए? ऊपर वाले ने हमको इतना प्यार से बना के भेजा है, हमारे अंदर जलन कपट तिरछा शायद वो ख़त्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक इंसानियत का असार है या ये हमारे हमारे बिहेवियर में है। लेकिन क्यों ना हम मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, क्योंकि बहुत तेज़ी से टाइम, मैंने कहा ना बहुत तेज़ी से टाइम है, कब आपका आपकी जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और आप चले जाते हैं, तो उसमें हम क्यों ना अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें और खूब खुश रहें, और लोगों को भी एक स्माइल के साथ खुश रखें, ना कि अपनी तकलीफ़ें हमेशा बयां करते रहें। अपने प्रोडक्शन के लिए ईद की शुभकामनाएं ऑडियंस से। बिल्कुल, आप सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद का फेस्टिवल जो है एक दूसरे से प्यार से गले मिल के रहने के लिए, एक दूसरे की तकलीफ़ों को मिटाने के लिए, एक साथ देने के लिए, तो मैं इनम फरीदी आप सबको हैप्पी ईद बोलना चाहूँगी। और वैसे मेरी ईद हमेशा की तरह कानपुर में बनेगी, क्योंकि दैट्स माय नेटिव प्लेस एंड आई एम कमिंग कानपुर 22nd से 24th। जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कम, लैंडमार्क में मैं स्टे कर रही हूँ, और बस यही से ऐसे बेस्ट मेरे लिए ईयर हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू।